कचहरी परिसर हरदोई में भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी द्वारा किसानों की विभिन्न ज्वलंत समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए विशाल धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में किसान कार्यकर्ता व महिलाएं भी उपस्थित हुईं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र सिंह की गरिमामय उपस्थिति में मंडल अध्यक्ष लखनऊ से श्री राघवेंद्र सिंह चौहान के कुशल मार्गदर्शन में जिला अध्यक्ष हरदोई राम लखन पाठक के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट जंग बहादुर यादव को दिया गया। उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं किसानों की पुरजोर अपील पर निम्नलिखित समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया और इनके तत्काल निराकरण की मांग भी की गई। पहली, भारत देश में केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा अलग अलग मनमाना टैक्स वसूले जाने के कारण गैस, डीजल और पेट्रोल की कीमतों में भारी वृद्धि हो गई है, जबकि अन्य देशों में यह वस्तुएं भारत से कम मूल्य पर भी अभी भी उपलब्ध है। इसलिए भारत देश में गैस, डीजल, पेट्रोल की कीमतों को कंट्रोल में लाने के लिए गैस, डीजल और पेट्रोल को GST के दायरे में लगाया जाए, क्योंकि गैस, डीजल व पेट्रोल आदि की कीमतों में भारी वृद्धि हो जाने के कारण देश के गरीब किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र छात्राएं, महिलाएं और आम आदमी इनका बोझ उठाने में सक्षम नहीं है। दूसरा, किसान विरोधी काले कानून को किसानों के हित में से तुरंत वापस लिया जाए। तीसरा, MSP गारंटी कानून लाया जाए और MSP में कम मूल्य पर खरीद को अपराध घोषित किया जाए। इस अपराध की सजा कम से कम 7 वर्ष तक निर्धारित भी की जाए। चौथा, भारत के सभी किसानों को सारा कर्ज माफ किया जाए। किसानों को कृषि कार्य के लिए ब्याज मुक्त कर्ज भी दिया जाए। पांचवा, किसान आयोग का गठन किया जाए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए। किसानों की उपज का मूल्य C2+ के आधार पर तय किया जाए। फोटो और किसी को देना है? और कोई दे दो, प्रार्थना देना दे दो ना। नहीं, अरे हम सबसे कहते हैं सब लोग बहुत सहयोग हैं। ये बात धन्यवाद। इतना ये नहीं। ये नीचे